हाँ जी घूमती है आत्माएं तो सारी दुनिया में घूमती है, लेकिन एक अड्डा है प्रेत आत्माओं का। जो प्रेत आत्माएं बनने वाली होती हैं, वो पापी आत्माएं हैं या पुण्य आत्माएं हैं? वो जन्म जन्मांतर की जघन्य पाप करने वाली आत्माएं हैं। इसलिए पाप की मात्रा ज्यादा होने के कारण उनकी अकाले ही मौत हो जाती है। जो ज्यादा पाप करने वाले हैं और जन्म जन्मांतर के पापी हैं, वो पाप आत्माएं अंधेरे में रहना पसंद करती हैं या उजाले में रहना पसंद करती है? उनका नारा है अंधेरा कायम रहेगा। जितनी लंबी रात होगी, चोरी डकैती छनरे चोर बाजारी ज्यादा करेंगे तो उनको सुख मिलेगा। इसलिए वो ज्ञान सागर के उजेले में रहना पसंद नहीं करते। क्या सागर तो सागर है, सागर में कचरा भी भरा हुआ है, कीचड़ भी भरा हुआ है और सागर में रतन भी भरे हुए हैं। वो कहाँ रहना पसंद करेंगे? हाँ? कीचड़ की दुनिया में रहना पसंद करेंगे या रत्नों की दुनिया में रहना पसंद करेंगे? हाँ? रत्नों की दुनिया में रहना पसंद करेंगे पाप आत्माएं। हाँ? कीचड़ की दुनिया में रहना पसंद करेंगे, इसलिए उस सागर का नाम है अंध महासागर। क्या क्या नाम है? अंध महासागर। अंधा बनाने वाला बड़ा महान सागर है और वो भी कौन से देश के नजदीक है? हैं? अमेरिका। इसका क्लेरिफिकेशन भी बाप दादा ने दिया है। अमेरिका का क्लेरिफिकेशन क्या दिया? मेरे का आ जाओ, तुम मेरे हो क्या? इसका मतलब क्या हुआ? मेरे हो या माया के हो? माया भी हो, माया के पुंगरे हैं, माया के बच्चे हैं। माया रावण की संतान है, भगवान की संतान नहीं है। तो वो अंधेरे में रहना पसंद करेंगे या उजाले में रहना पसंद करेंगे? इसलिए उस सागर का नाम है अंध महासागर। और अमेरिका के नजदीक है। उस खाड़ी का नाम है मेक्सिको। जैसे बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल के नीचे जो समुद्र है उसका नाम क्या है? हाँ? बंगाल की खाड़ी। ऐसे ही
अटलांटिक महासागर में जहाँ बरमूला ट्रायंगल है उस खाड़ी का नाम है क्या बताया भूल गए बताते ही बताते भूल गए हाँ हाँ अन्न महासागर तो पूरे बड़े सागर का नाम है लेकिन जहाँ बरमूला ट्रायंगल है खास उस खाड़ी का नाम है मैक्सिको मैक्सिको की खाड़ी अर्थात उनको खुद प्रश्न पैदा होता है मैं किसका हूँ भगवान का हूँ या शैतान का हूँ उनकी समस्या का अंदर से भी समाधान नहीं होता क्योंकि उनके कर्म ही उनके सामने शीशा बन करके आ जाते हैं तो वहां अड्डा है अड्डा माने सेंटर क्या हाँ बड़ा सेंटर है उनका हेड ऑफिस है है जब उनके पापों का लेखा जोखा हल्का हो जाएगा तो जन्म लेंगे और बुद्धिमान आदमी को दुष्ट लोगों से बच करके रहना चाहिए या उनके साथ संग में रहना चाहिए हैं? बच के रहना चाहिए साइंटिस्ट बुद्धिमान हैं या बुद्धू है हैं? बुद्धिमान है इसलिए वो बरमूला ट्रायंगल से बच के रहते हैं जानते हैं कि अगर इस खाड़ी से गुजर के जावेंगे तो हम भी इनके प्रभाव में आ जावेंगे माने इनकी प्रजा बन जावेंगे हमको भी भूत प्रेत बनना पड़ेगा बाबा तो कहते हैं ये साइंसदान भी सत्युग में तुम्हारी प्रजा बन जावेंगे वहां भी अच्छे अच्छे आविष्कार करेंगे तो पुण्यात्मय है या पापात्मय है क्या है पुण्यात्मय है इसलिए बरमूला ट्रायंगल से बच के निकल जाते हैं वो रास्ता ही छोड़ देते हैं चाहे पानी का जहाज हो चाहे पनडुब्बी हो चाहे हवाई जहाज हो वहां से गुजर के नहीं जाते बुद्धिमानी इसी बात में है कि दुष्टों का संग न करें तो अच्छा और ट्रांस में जाते रहते हो मैसेज लाते हो कैसे मैसेज कैसे आप स्वप्न में जाते हैं स्वप्न में जब जाते हैं तो सवेरे को उठ के घर वालों को परिवार वालों को मैसेज सुनाते हैं कि हमने ऐसे ऐसे स्वप्न देखा ऐसे ही वो साक्षात्कार में जाते हैं वो बंद आंखों का स्वप्न है और वो खुली आंखों से भी साक्षात्कार हो जाते हैं और साक्षात्कार उन्हीं आत्माओं को होता है जिनकी बुद्धि तीखी नहीं होती जो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं उनको साक्षात्कार की कोई दरकार नहीं है जैसे मम्मा सरस्वती ओम राधे
कभी साक्षात्कार में जाती थी क्या? गई नहीं गई? वो बुद्धि की देवी है, बुद्धि से जो साक्षात्कार किया जाता है उस पर विश्वास करने वाली है। और ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा बुद्धू थे या बुद्धिमान थे? क्या कहे है? बुद्धिमान नहीं थे, इसलिए उनको साक्षात्कार होते। और वो जो खग्रास सूर्य ग्रह में लगा, वो कौन से देश में देखा गया है? कहाँ देखा गया? हरिद्वार में देखा गया है? थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा माने खग्रास नहीं, जो खग्रास होता है उसमें अंधेरा हो जाता है, पूरा सूर्य ढक जाता है, तो बंगलौर में देखा जाएगा तो सारे भारत में देखा जाएगा? भारतवासियों ने तो नहीं देखा, तो विदेश में देखा गया या स्वदेश में देखा गया है? आपने सिर्फ सुना, खग्रास की बात है। खग्रास मैंने पूरा ग्रास कर लिया। हाँ जी, तो पूरा ही सूर्य ढक जाए, अंधेरे में आ जाए, ऐसा विदेशों में देखा गया है। क्योंकि संगमयुगी ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो ज्ञान सूर्य बाप का पार्ट है वो विदेशी बनकर के आया हुआ है या स्वदेशी बनकर के आया हुआ है? विदेशी बनकर के आया हुआ है। तो विदेशी उसे गहराई से देखेंगे या स्वदेशी देखेंगे? है विदेशी ने देखा। और है उसका रहस्य तो कितनी बार बताया हुआ है। चंद्रमा बीच में आ जाता है, सूर्य एक तरफ होता है और चंद्रमा का परछाया पृथ्वी वासियों पर पड़ता है, तो पृथ्वी का जो विदेशों का हिस्सा है उन विदेशियों की आंखों के सामने चंद्रमा आ गया, माने ज्ञान चंद्रमा के प्रभाव से वो विदेशी प्रभावित हो गए, पूरे ही प्रभावित हो गए, तो उन्हें ज्ञान सूर्य दिखाई नहीं पड़ता। ये राज है। वो शशोपंज की हालत है। और पुरोहित को ब्राह्मण को बुलाकर उसको
सजाने का मतलब ये हुआ कि जो पति के रहते रहते स्त्री पहले मर जाए, मर जाए माने अनिश्चय बुद्धि हो जाए। क्या? पति जीवित रहे, निश्चय बुद्धि बन करके रहे, और पत्नी पति के रहते भी अनिश्चय बुद्धि बन जाए, तो वो पत्नी सधवा हुई या विधवा हुई, क्या कहेंगे? हैं? अपने भारतवर्ष में सधवा की पूजा होती है या विधवा की पूजा होती है? जो सधवा होती है उसकी पूजा होती है, बल शरीर भी छोड़ दिया लेकिन अपनी आंखों के सामने पति की मृत्यु नहीं हुई, तो मरते मरते भी सधवा रही या विधवा हुई? सधवा हो गई, इसलिए वो पूजनीय है या विधवा की तरह पूजनीय नहीं है? पूजनीय है, इसलिए उसको सजाया जाता है। ये रस्म रिवाज कहाँ से शुरू होती है? हैं? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में सारी रस्म रिवाज शुरू होती है। जो भी सधवा माताएं हैं, भारत की माताएं हैं, उन भारत की माताओं को एक खासियत है। क्या क्या खासियत है? वो अपने रहते रहते पति की मृत्यु कभी नहीं चाहेंगी। क्या चाहेंगी? हमारी मृत्यु हो जाए लेकिन पति की मृत्यु न हो। तो ऐसी भारत की माताओं के बीच में जगदम्बा भी गाई जाती है। वो जगदम्बा भारत में ही पूजी जाती है। जगदम्बा का ये पार्ट है, ज्ञान में चलते चलते ब्राह्मणत्व जीवन से मृत्यु होती है या नहीं होती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये नियम बना हुआ है ईश्वरीय कि पति भगवान है, भगवान जैसा पति मिला है तो जीवन दान देने वाला पति मिला है ना, तो पत्नी की मृत्यु होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हैं? नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुई तो भी उसको सजाया जाता है ज्ञान रत्नों से, गुण रत्नों से सजावट की जाती है। तो जगदम्बा भले अनिश्चय बुद्धि रूपी मौत को प्राप्त हुई है, परंतु वो आत्मा अपने शरीर को सजाए रही है। टाइम आएगा तो सजे सजाए रूप में संसार में प्रत्यक्ष होगी। इसलिए भक्ति मार्ग में जगदम्बा को कितना सजाते हैं, कितने गहने आदि से सजाते हैं, कितने वस्त्र पहनाते हैं, ये सजावट अभी हो रही है। जगदम्बा कहो, दिल्ली कहो, भारतवर्ष के जो भी महानगर हैं,
उन महानगरों के बीच में कौन सा महानगर है जो सबसे ज्यादा सजाया जा रहा है इस समय? है दिल्ली ही है। बाद में भला दिल्ली को देख करके दूसरे दूसरे नगर भी सजाए जा रहे हों, क्योंकि दिल्ली को साफ फॉलो करते हैं। तो ये दिल्ली रूपी धरणी अर्थात जो सब धर्म के फॉलोअर्स को अपनी गोद में लेकर के राजाई भोग कराती है, उसका गायन है भक्ति मार्ग में कि पत्नी अगर शरीर छोड़े मृत्यु को प्राप्त होवे तो उसका श्रृंगार किया जाता है। जगदम्बा का श्रृंगार होता है तो फॉलो करने वाली जो भी भुजाएं हैं उनका भी श्रृंगार होगा। कुशाघात ना ब्राह्मणों को दान देते हैं, कुशाघात दर्भ बोलते हैं ना, कुशाघात दर्भ बोल के ब्राह्मणों को दान देते हैं ना, कुशाघात। हाँ तो क्या कारण है ब्राह्मणों को जब दान देते हैं कुशाघात दिया जाता? कुशाघात नहीं दिया जाता, हाथ में कुशाघात की अंगूठी पहनते हैं। हाँ, ये हाथ है बुद्ध रूपी हाथ। क्या ये बुद्ध रूपी हाथ है? बुद्ध रूपी हाथों के द्वारा जब किसी को दान धर्म की बात आती है तो ये जो हाथ की उंगलियां हैं, हाथ की सहयोगिनी है, उनमें वो कांटे वाली घास पहनी जाती है। क्या बंधन डाला जाता है? वो बंधन डालने की निशानी है कुशा घास। और घास जो होती है वो उतनी नुकीली नहीं होती है, कष्टदायक नहीं होती है, कांटा नहीं होती है, लेकिन कुशा घास कांटे वाली होती है। तो कष्टदायक घास जो है वो पहनी जाती है, अर्थात ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में कोई तन का दान करता है, तन की शक्तियों का दान करता है, धन का दान करता है, पदार्थों का दान करता है, तो जो दुखदाई परिवार के सज्जन हैं वो रोकते हैं, अरे ऐसा क्यों करते हो, सारे घर की संपत्ति बर्बाद कर दोगे क्या? वो नहीं चाहते हैं ये तन की ताकत लगाएं, तन का दान करें, धन का दान करें, बंधन डालते हैं। तो कुशाघात है वो हाथ में होने के बावजूद भी उनसे डरने की बात नहीं है, बंधन को मानने की बात नहीं है, वो बंधन होते हुए भी अपनी आत्मा को निर्बंधन समझते हुए हम वो कार्य कर दिखावे, ईश्वरीय सेवा में अर्पण करके दिखावे, इसलिए कुशाघात डालते हैं। और श्री सैलम जो मंदिर है
वहाँ कौन सा देवता है जो विशेष यादगार रूप में दिखाया जाता है? हैं? श्री शैलम पर्वत में जो मंदिर यादगार बना हुआ है, वहाँ कौन सा ऐसा देवता है, उसका नाम क्या है? वो कौन है? अरे वो किस आत्मा की यादगार है? प्रजापिता की यादगार है जो श्री शैलम पर्वत है। उस पर्वत पर जो कहानी बनी हुई है, कथाएं बनी हुई हैं, उन कथाओं में कौन सा पात्रधारी है जिसका विशेष गायन है? हाँ हाँ, अर्जुन तो है, नाम तो अर्जुन दिया हुआ है। अर्जुन माने अर्जन करने वाला, पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला। लेकिन जहाँ ये पुरुषार्थ का अर्जन करने का पार्ट बजाया है, उस पार्ट बजाने के पीछे वो कौन सा व्यक्तित्व है जिसकी खोज में वो पार्ट बजाया गया है? अरे शिव बाबा की यादगार तो है, लेकिन शिव बाबा का वहां पहुंचने का मकसद क्या था? है कार्तिकेय से मिलने का मकसद था? कार्तिकेय किसका बच्चा है? सुब्रह्मण्यम स्वामी किसका बच्चा है? शिव बाबा का बच्चा है। तो शिव बाबा का बच्चा जो है वो बाप के मुकाबले बड़ा पार्ट बजाने वाला होगा या छोटा पार्ट बजाने वाला होगा? है बड़ा पार्ट बजाने वाला होगा, छोटा पार्ट बजाने वाला होगा। जैसे जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं और छोटे छोटे लाखों शालिग्राम बनाते हैं, लाखों शिवलिंग बनाते हैं, वो यादगार है कि सब शिवलिंगों ने नंबरवार निराकारी स्टेज को धारण किया है, किसी ने कम और किसी ने जास्ती, लेकिन शिव बाबा ने जो निराकारी स्टेज धारण की है प्रैक्टिकल जीवन में, उतनी बड़ी स्टेज किसी ने धारण नहीं की है। तो मल्लिकार्जुन में भी जो अर्जुन के रूप में पार्ट बजाया है शिव ने, वो किससे मिलने के लिए बजाया? अरे वो किससे मिलने के लिए गए थे वहां? सुब्रह्मण्यम स्वामी से मिलने के लिए गए थे। तो सुब्रह्मण्यम स्वामी का वहां पार्ट विशेष है, अर्जुन तो थोड़े समय के लिए पार्ट बजाया, लेकिन लंबे समय तक यादगार किसकी है? हैं? सुब्रह्मण्यम स्वामी की। वो लंबे समय की पार्ट की यादगार होते हुए भी वो पार्ट छोटा पार्ट है, जो शिव के बड़े बड़े लिंग दिखाए गए हैं उनके मुकाबले।
इसलिए वहाँ छोटा लिंग दिखाया गया है। और आपने स्वप्न देखा, हम प्रश्न करें आपने जो स्वप्न देखा वो सही है या झूठा है, क्या कहेंगे? आपके लिए सच्चा है क्योंकि आपने देखा है, हमको विश्वास नहीं होता क्योंकि हमने देखा नहीं, इसलिए हमारे लिए झूठा है, हो सकता है। जैसे कि ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, उन साक्षात्कारों को ब्रह्मा बाबा ने देखा और उन साक्षात्कारों के रहस्य पर विश्वास किया, सारा जीवन विश्वास किया और मजबूत बन करके टिके रहे। और प्रजापिता ने विश्वास किया या नहीं किया? नहीं किया, जबकि उन साक्षात्कारों का रहस्य प्रजापिता ने ही बताया था, ब्रह्मा बाबा को पता ही नहीं था। तो जिसने विश्वास किया उसका मूल आधार ये था कि उसने स्वयं साक्षात्कार किया, इसलिए विश्वास किया। और प्रजापिता ने साक्षात्कार नहीं किया, अर्थ तो बताया लेकिन विश्वास नहीं किया, इसलिए बाबा कथा बताते हैं ब्राह्मण की। क्या कथा बताते हैं? पंडित जी रह गए और बुढ़िया पार उतर गई, तो ब्रह्मा बाबा हो गई बुढ़िया और प्रजापिता हो गया पंडित जी। पंडित जी ने रास्ता बताया कि इन साक्षात्कारों का ये रहस्य है, साक्षात्कार बताने वाला जो पंडित जी है गया, शरीर छूट गया और ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ की रेस में आगे बढ़ती रहे। तो ये है स्वप्न और साक्षात्कार का रहस्य, जो विश्वास करे उसको उतना फलदायक होता है। स्वप्न भी अंधश्रद्धा की बात और साक्षात्कार भी अंधश्रद्धा की बात है, ये अंधश्रद्धा की बात, प्रैक्टिकल बातें नहीं है जीवन की। लेकिन ज्ञान को अंधश्रद्धा नहीं कहेंगे, ज्ञान अर्थात प्रूफ और प्रमाण सहित कोई बात को मानना। आज में भी इस यज्ञ में साक्षात्कार और स्वप्न की लीला का बोलबाला रहा, क्योंकि उस समय ज्ञान नहीं था ब्राह्मण परिवार में, सारी दुनिया में ज्ञान का नाम निशान नहीं था, इसलिए स्वप्न और साक्षात्कार का आधार लेना पड़ा। और जो आदमी वो अंत में भी होगा, बीच में क्यों नहीं? बीच में ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को बाप ढूंढते हैं, जब ज्ञानी तो आत्मा बच्चे बाप को मिल गए और उन्होंने ज्ञान को ग्रहण कर लिया तो फिर उन ज्ञानी बच्चों के लिए स्वप्न और साक्षात्कार का कोई महत्व नहीं रह जाता है। सन 76 से बाप आया, बाप की प्रत्यक्षता हुई, बाप का ज्ञान आया,
और मुरली में बोला है 40 वर्ष के लिए सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं। तो 36 से लेकर 76 तक कितने वर्ष हुए है? 40 वर्ष। लेकिन वो 40 वर्ष सभी ब्राह्मणों के लिए लागू होता है या सिर्फ एक ब्राह्मण के लिए लागू होता है? है, एक ब्राह्मण के लिए लागू होता है। वो एक पहला ब्राह्मण है जो 40 वर्ष पूरे होने के बाद स्वप्न और साक्षात्कार की बातों पर विश्वास नहीं करता। बाकी और जो एडवांस पार्टी के ब्राह्मण हैं, वो स्वप्न और साक्षात्कार की बातों के ऊपर भक्ति मार्ग में भी कुछ न कुछ चलते हैं और ज्ञान मार्ग को भी कुछ न कुछ फॉलो करते हैं, नंबरवार हैं। उनके 40 वर्ष कब पूरे होंगे? अरे 40 वर्ष के लिए सूक्ष्म वतन रचते हैं, उसके बाद सूक्ष्म वतन समाप्त, साक्षात्कार की बातें खलास। तो और जो ब्राह्मण हैं एडवांस पार्टी के, उनके 40 वर्ष कब पूरे होंगे है? अरे 76 के बाद 40 वर्ष और जोड़ दो, 2000 है? हाँ, 2076 के बाद 77 को संपूर्णता वर्ष मनाया, 77 के बाद 40 वर्ष जोड़े गए तो 2018 आता है। 2018 में जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो ब्राह्मणों की दुनिया की जो एडवांस पार्टी के ज्ञानी तु आत्माएं हैं, उनको स्वप्न और साक्षात्कार और भक्ति मार्ग के कर्म कांडों के ऊपर से पूरा विश्वास उठ जाएगा, उनका भक्ति मार्ग खलास हो जाएगा। स्वप्न की बातों पर और साक्षात्कार की बातों पर, अंधश्रद्धा की बातों पर विश्वास उठ जाएगा। और जैसी भावना वैसी भावना का फल देने के लिए भगवान बांधा हुआ है। जो हनुमान को भगवान के रूप में मानते हैं उनको भगवान हनुमान के रूप में साक्षात्कार कराए देते हैं। तो क्या पूछड़ी वाला कोई भगवान होता है? नहीं होता। सूंड वाला कोई भगवान होता है? नहीं होता। कोई ऐसे भगत हैं जो नाग पंचमी पर नाग देवता को भगवान मानते हैं? भगवान उनको उनकी भावना के आधार पर नाग देवता के रूप में साक्षात्कार कराने के लिए बांधा हुआ है, भावना का अल्पकाल का भाड़ा देता है। ऐसे ही आपने जो बात बोली उसका भी जवाब है। समझ में आया? तो भावना है ना उनकी, हिंदुओं की भावना है। क्या मुसलमान दुनिया में नहीं रहते? क्या क्रिश्चियन दुनिया में नहीं रहते? उनकी तो ये भावना नहीं है। तो वो भावना मात्र है या सच्चाई है? है, भावना मात्र है, ज्ञान नहीं कहेंगे।
ज्ञान माने सच्चाई। ओम शांति। सम माने समान, बंध माने बंधन, एक निराकार और एक साकार, एक बहुत मोटा हो और एक अफ्रीकन एकदम छोटा और बिल्कुल पतला हो, उन दोनों का संबंध जोड़ दो तो लोग हंसेंगे, जग हंसाई होगी या संबंध जोड़ेगा, जग हंसाई भी होगी और खुद भी असंतुष्ट हो जाएंगे, हमारे माँ बाप ने क्या कर दिया, ये बेमेल खिचड़ी पका दी, कभी मेल हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही यहां है, निराकार है तो निराकार निराकार के साथ जुट सकता है, तो वो एक ही है जो निराकारी स्टेज को एक सेकंड में प्राप्त करता है और आत्माएं उस स्टेज में है ही नहीं, तो वो एक निराकार निराकार के साथ ऐड हो करके एक हो जाता है, शिव शंकर एक हो जाते हैं, वो समान हो गया। बाकी दूसरी मनुष्य आत्मा ये चाहे कि हम आत्मा सो परमात्मा स्टेज पर स्थिर हो जाएं, वो हो ही नहीं सकेंगी। ये पार्ट नुधा हुआ है हर आत्मा में, पार्ट को कोई बदल ही नहीं सकता। और बाबा, ये बाबा की जो क्लास है ये 1 बजे से पहले पहले होनी चाहिए। आप पहले क्यों नहीं बोलते हैं? वो टाइम ज्यादा हो जाता है, घर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। घर तो आपका परम धाम है, आज नहीं पहुंचेंगे कल पहुंच जाएंगे, है? माताएं क्या है तो भी ठीक है, माताएं तो पुरुषों के बंधन में होती है, आप तो वयोवृद्ध हो गए, बच्चे खाने कमाने वाले हो गए, आप तो क्या ऐसी चिंता हो रही, माताओं से कहलवाओ। नहीं, माताएं अगर ये कहेंगी और प्रैक्टिकल करेंगी तो इसका लोड आपके ऊपर पड़ेगा, डंडा लेके आएंगे आपसे लड़ेंगे, हम तो उड़नचू हो जाएंगे। लोड किसके ऊपर पड़ेगा? हाँ, भाइयों के ऊपर लोड पड़ेगा आगे, माताओं से तो कोई लड़ाई लड़ेगा नहीं। एक और बात, देवी देवता सनातन धर्म प्राय लोप होता है कि पूरा लोप होता है? देवी देवता सनातन धर्म का संगम युग में वो मूर्त रूप कौन सा है जो मुखिया माना जाता है? है लक्ष्मी नारायण माने विष्णु, है तो विष्णु आदि में है तो अंत में भी विष्णु होगा या नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता,
अगर होता है तो विष्णु भी होना चाहिए और उसकी नाभि से ब्रह्मा भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो यज्ञ के आदि में विष्णु भले न दिखाई पड़े लेकिन कौन प्रत्यक्ष हुआ दिखाई पड़ा? ब्रह्मा प्रत्यक्ष हुआ दिखाई पड़ा। तो साबित हो गया कि ब्रह्मा था तो कहां से आया? विष्णु की नाभि से आया। माने विष्णु भी था जरूर, देवी देवता सनातन धर्म का जो मुखिया है वो ब्रह्मा नहीं है, उसकी पराकाष्ठा का रूप कौन है? विष्णु। विष्णु आदि में भी और विष्णु अंत में भी जरूर है। संगम युग के आदि में भी जरूर है तो संगम युग के अंत में भी जरूर है। और सृष्टि के आदि में भी विष्णु तो सृष्टि के कलयुग अंत में भी विष्णु जरूर है। और ब्रह्मा कितने हैं? पांच ब्रह्मा हैं। तो पांचों ही ब्रह्मा नंबर वार हैं या कोई अव्वल नंबर भी है? वो कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। उसके साथ ब्रह्मा भी जुड़ा हुआ है और प्रजापिता शब्द भी जुड़ा हुआ है। तो वो कौन कौन आत्माएं हैं जो प्रजापिता ब्रह्मा कही जाती हैं, जो सदैव के साथी हैं? राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा। अगर कहें जगदम्बा, यज्ञ के आदि में दादा लेखराज ब्रह्मा तो नहीं था, ब्रह्मा कौन था? जगदम्बा थी। लेकिन जगदम्बा ने माँ का वो पार्ट प्रैक्टिकल में नहीं बजाया जिसका मूल स्रोत सहन शक्ति है। किसने बजाया? दादा लेखराज ब्रह्मा ने बजाया। दूसरा जन्म लेकर के भी जगदम्बा ने वो पार्ट नहीं बजाया जो ब्रह्मा का मुख्य पार्ट है। क्या पार्ट है? सहन शक्ति का। अगर महाकाली के रूप में पार्ट भी बजाया तो भी मस्तक पर कौन बैठा हुआ है? महाकाली के मस्तक पर भी चंद्रमा बैठा हुआ। तो चंद्रमा और सूर्य ये सृष्टि रूपी रंगमंच के दो हैं मुखिया। उनमें भी मुखिया कौन है? राम वाली आत्मा। वो राम वाली आत्मा द्विधर्मियों के अंत तक टक्कर लेती है या बीच में ही रफु चक्कर हो करके दूसरे धर्म में समा जाती है? अंत तक टक्कर लेती है। टक्कर लेते लेते कभी ऐसी भी स्टेज आती है कि कोई बेहाल हो जाता है और फिर बाप को पुकारता है, हैं? तो फिर बाप को आना पड़ता है। और जिस पतन के गर्त में देवी देवता सनातन धर्म को समा जाना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए, उस पतन के गर्त को बचा लेता है कि देवी देवता सनातन धर्म सदा के लिए नष्ट नाबूद हो जाता है। तब आता है। कब आता है? देवी देवता सनातन धर्म सदा के लिए नष्ट नाबूद हो जाता है तब आता है या कुछ कुछ रहता है? कहते हैं
चोटी तक डूब जाते हैं, सिर्फ क्या रह जाती है, चोटी रह जाती है। तो चोटी पकड़ करके उठाता हूँ। तो कौन है चोटी? दुनिया की सबसे बड़ी चोटी का नाम क्या है? नहीं, एवरेस्ट, एवरेस्ट क्या? जैसे शिव को कहते हैं एवर प्योर, ऐसे ही पहाड़ों में बड़ा पहाड़ है हिमालय पहाड़, और हिमालय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। कौन सा देश है जिसके बिल्कुल नजदीक है एवरेस्ट चोटी? नेपाल। ब्राह्मणों की दुनिया में नेपाल कौन सा देश है? बेहद का नेपाल है जो नई दुनिया को पालना करने के निमित्त संगठन है ब्राह्मणों का, वो है नेपाल। नई दुनिया का पालना करने का निमित्त संगठन, उस नेपाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एवरेस्ट, माउंट आबू नहीं, माउंट एवरेस्ट। तो बाबा ने भी बता दिया, पहला ब्राह्मण कौन, पहला ब्राह्मण चोटी कौन? प्रजापिता। पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, पहला देवता सो पहला है क्षत्रिय, पहला वैश्य, पहला शूद्र। तो वो हर एक वंश का क्या हुआ? मुखिया हो गया, चोटी हो गया। तो वो तो है ब्राह्मण चोटी, ऊंचते ऊंची स्टेज हो गई। और भी चोटियां तो हैं, है कि नहीं, और भी चोटियां हैं, लेकिन एवरेस्ट ही सबसे ऊंची चोटी है। उसको क्रॉस करने वाली कोई चोटी नहीं है। और जो चोटियां हैं वो और धर्मों में तिरोहित हो जाती हैं लास्ट जन्म में। इसलिए हर धर्म के पूर्वज हैं अष्टदेव। क्या? आठ देवताएं जो हैं हर धर्म के पूर्वज हैं। तो देवी देवता धर्म का पूर्वज कौन हुआ? एवरेस्ट, प्रजापिता। और दूसरे धर्म के पूर्वज भी हैं, लेकिन वो दूसरे धर्म के जो पूर्वज हैं दूसरे धर्मों के अंडर भी कंट्रोल आ जाते हैं या नहीं? आ जाते हैं। तो दूसरे धर्म की आत्माएं उनके ऊपर कब्जा कर लेती है। यहाँ ब्राह्मणों की संगम दुनिया उसकी शूटिंग होती होगी कि नहीं? कैसे? हाँ, वो आत्माएं प्रवेश करके उनको कब्जा करती है। क्या? भूतप्रेत आत्माएं भी रुद्रमाला के मंडपों में प्रवेश होती है या नहीं? रुद्राक्ष के जो मणके हैं उनमें एक मुख वाला सिर्फ एक ही है, उसमें सिर्फ एक ही मुकर्रर प्रवेश करता है, और बाकी में दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं प्रवेश करके उनसे उल्टा पलटा आचरण, उल्टी पट्टी एक्ट करा लेती है, और वो एक्ट सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। जब ब्राह्मणों की दुनिया में सबके सामने वो एक्ट प्रत्यक्ष हो जाएगी, मिनी मधुवन है, मधुवन है, शीशे का महल, इधर भी शीशे, उधर भी शीशे, इधर भी शीशे, और कोई एक्ट कर रहा है तो शीशे में वो एक्ट सबको दिखाई देती, अपन को भी दिखाई देती। तो आत्मा को अपने अंदर रियलाइजेशन होने लगता है। क्या? कि मैं
मैं अपनी एक्ट के आधार पर किस धर्म की आत्मा हूं, ये एक्ट साबित हो जाता है। इसलिए बाबा ने बोला कि हर आत्मा अपनी एक्ट से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपनी वाचा से, अपनी लेखनी से, लेटर वेटर लिखते ही नहीं, किताबों में कुछ अपने डायरी में अपने विचार लिखते हैं कि नहीं, तो लेखनी से अपने पार्ट को प्रत्यक्ष कर देंगे। तो पार्ट प्रत्यक्ष हो जाते हैं और निमित्त वो दूसरे धर्म की आत्माएं बन जाती है। तो माया हमको नीचे गिराने के निमित्त बन जाती है। माया क्या है? जो दूसरे धर्म की कमजोरियां हैं वो ही माया है जो हमारे अंदर प्रवेश की हुई। प्रश्न आया है, अभी दुनिया में ज्यादातर सोल का प्रभाव है, क्यों काली मौत ज्यादा हो रही है कम हो रही है? और दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी कम होंगी? बढ़ती जाएंगी। दुनिया की बड़े से बड़ी आबादी मल्टी स्टोरीज में बैठी हुई है, भूकंप होंगे, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ताक के पत्ते की तरह गिरेंगी तो अचानक मौत होगी या स्वाभाविक होगी? तो कितनी इविल सोल हो जाएंगी? बहुत हो जाएंगी। क्या 4.5 लाख आत्माओं को 500-700 करोड़ में भाग दे दो, इतनी आत्माएं प्रवेश करती हैं 33 करोड़ देवताओं में। तो बोला अभी दुनिया में ज्यादातर सोल का प्रभाव है, तो हम पुरुषार्थी जीवन में अगर अकेलापन आता है तो क्या ये बुरा सोल का प्रभाव है जिसके कारण वो आत्माएं हमको पुरुषार्थ नहीं करने देती हैं? तो क्या जवाब आया है? उसी का प्रभाव है कि जो हम पुरुषार्थ करना चाहते हैं वो पुरुषार्थ हमको आत्माएं नहीं करने देती। उसका समाधान तो मिल गया। देवी देवता सनातन धर्म में अगर जाना चाहते हैं तो किसका आधार लें? एक बापू, दूसरा ना कोई औलिया तो मिला हुआ है। अरे बालाजी मिल गया कि नहीं मिल गया? नहीं मिला, मिल गया। नहीं अकेला हूँ इसलिए आती है बात, कि वो दूसरे धर्म की आत्माएं निराकारी स्टेज वाली है। वो दूसरे धर्म की आत्माएं जो हैं वो निराकार को मानने वाली हैं या साकार को मानने वाली है? वो निराकारी स्टेज वाली हमारे अंदर वो निराकारी भाव पैदा कर देती है। तो साकार हमसे दूर हो जाएगा या नजदीक रहेगा? दूर हो जाता है। जगन्नाथ को श्राप मिला, शूद्र के यहां भोजन खाना पड़ेगा वरना 12 साल तक खाना पीना नहीं मिले। इसकी शूटिंग यहां कैसे होती है? है? शास्त्रों में जगन्नाथ के लिए ये कहानी आई है। क्या? तो उनको 12 साल तक शूद्रों के यहाँ भोजन करना पड़ा,
जो भोजन करने के वो जन्म जन्मांतर के आदि थे, शुद्ध भोजन, शुद्ध भोग, भगवान को भोग लगाते हैं ना, भोग लगाते हैं तो पर्दा डाल देते हैं, कोई है? कोई ना देखने पाए। अरे भगवान को भी शर्म आती है खाना खाते समय, क्या भगवान को खाना खाते समय शर्म आती है? क्या शर्म आती है? नहीं, फिर पर्दे की क्या जरूरत है? अरे पर्दा भगत लोग डालते हैं या भगवान कहते हैं कि पर्दा डालो? हाँ, पर्दा डालते हैं कि जैसे हम मकान बना देते हैं, हम कपड़े पहनते हैं देवान को छुपाने के लिए, दीवारें खड़ी करती हैं देवान को छुपाने के लिए, पर्दा डाल देते हैं कोई दूसरा ना देखे हमारे देवान की एक्ट को। ऐसे भगवान भी ऐसे ही करता होगा। तो मंदिर में जाएंगे तो पहले घंटे बजाएंगे, हम आ रहे हैं, अब रेडी हो जाओ। तो जैसी वृत्ति वैसी भक्तों की वृत्ति, उनको वही दिखाई पड़ता है। नहीं तो भगवान को कोई पर्दा डालने की जरूरत नहीं है। तो भगवान जो आता है वो लड्डू पेड़े का भोग लगाने के लिए आता है या विकारों का भोग लगाने के लिए आता है? विकारों का भोग लगाता है। तो मनुष्य भी विकारों का भोग लगाते हैं कि नहीं है? लगाते हैं। तो पर्दा डालते हैं कि नहीं डालते हैं? तो भक्त जो हैं वो भी भगवान को क्या डाल देते हैं? पर्दा डाल देते हैं। तो बोला है जगन्नाथ को श्राप मिला कि सूत्र के यहाँ भोजन खाना पड़ेगा। अरे रामायण में क्या आया? इसकी यादगार रामायण में आई कि नहीं आई? है बेल नहीं सूत्राणी थी। सूत्राणी का मतलब ज्ञान की भाषा में सूत्र किसको कहा जाता है? जो सिर्फ विकारी नहीं, जो विविचारी होते हैं या विविचारी नहीं होती है उसको क्या कहा जाता है? शूद्र कहा जाता है, क्षुद्र बुद्धि कहा जाता है। क्या क्षुद्र बुद्धि के आधार पर मुरली में बोला है पतित होना है, वो तो कायदा है पतित दुनिया का। क्या कायदा है? कि पतित होना ही है। पतित दुनिया में सब पतित, तो हम भी पतित। पतित दुनिया में कोई पावन तो होता ही नहीं। जब पतित दुनिया में कोई पावन नहीं होता, पतित तो होना ही है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मनुष्य से भूल न हो। मनुष्य से भूल होगी जरूर। फिर क्या करना है बताया मुरली ने, पतित होना है वो तो कायदा है, भल पतित होना है वो कायदा है पतित दुनिया का, परंतु एक के साथ ही पतित बने, अनेकों के साथ पतित बनना बेकायदे। तो फिर है बेकायदे काम नहीं करना चाहिए, बेकायदे काम नहीं करना चाहिए। इसका मतलब पुरुष तो फिर बातें खिलाएंगे कि वाह ये तो बढ़िया पॉइंट मिला। क्या पॉइंट मिला है? कि पतित बनना है तो एक पत्नी तो है ही हमारे पास, उसके साथ हम पतित बनते रहे। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा ने क्या ये बोला कि भ्रष्ट इंद्रियों के साथ पतित बनो? लक्ष्य क्या है? श्रेष्ठ इंद्रियों का आचरण करने वाला क्या बनना है? देवता बनना है। तो दृष्टि तो पतित होती है, लेकिन अगर दृष्टि पतित ही बनती है तो क्या करें? एक के साथ पतित बने, अनेकों के साथ पतित होना बेकायदे है। ये अर्थ है उसका, उसका उल्टा अर्थ लगा लिया तो ये रंग हो जाता है।
तो बोला जगन्नाथ को शाप मिला कि शूद्र के यहाँ भोजन खाना पड़ेगा। ये तो ठीक बात है क्या? 12 साल का जो उनको वनवास गायन है, गायन है रामायण में 14 साल, महाभारत में 12 साल और 1 साल रुंग का कितना हुआ? 13 साल। तो 12-14 साल का जो वनवास गाया हुआ है वो वनवास जगन्नाथ को मिला कि शूद्रों के यहाँ भोजन खाना पड़े, जो जन्म जन्मांतर अब विचारी भोजन खाने के आदि है वो भोजन उनको कहीं भी नसीब नहीं होगा। तो प्रश्न है 12 साल तक खाना पीना नहीं मिला, इसकी शूटिंग यहां कैसे होती है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जगन्नाथ को बताया गया है शास्त्रों में कलयुग के नारायण, नहीं तो नारायण का राज्य शास्त्रों में कौन सी युग में गाया हुआ है? सतयुग में गाया हुआ है, लेकिन वहां बोला है कलयुग के नारायण। तो ये पार्ट उनका किस समय का गायन है? संगम युग का गायन है कि जब द्वापर युग की शूटिंग पूरी होती है कौन से सन में? हाँ 99 में द्वापर युग की शूटिंग पूरी हो जाती है। जब द्वापर युग की शूटिंग पूरी होती है तब कांटों के जंगल में उनका प्रवेश होता है। तो वो शूटिंग पीरियड के 12-13-14 साल गाए हुए हैं जहां उनको भटकना पड़ता है, भोजन चाहे बेहद का हो और चाहे हद का हो, वो दोनों प्रकार का भोजन उनको शुद्ध भोजन अव्यभिचारी भोजन नहीं मिल सकता। शुद्ध भोजन के लिए दरवाजे दरवाजे भटकते रहते हैं फिर भी उनको शुद्ध भोजन मिलता नहीं है। कैसा मिलता है? शूद्राणी के हाथ का झूठा बोध जो गाए हुए हैं वो ही मिलता है। अशुद्ध भोजन मिलता है, अशुद्ध भोग मिलता है। ये 12 साल 2000 से लेकर के 2012 तक गाए हुए हैं, महाभारत में भी गायन है और रामायण में भी इनका गायन है। और चल ओम शांति। बांधेली माताओं का प्रतिनिधित्व किसने किया? हाँ जी, ऐसे तो 2 सवाल और हैं, अगली बार देख लें। जल्दी जल्दी ओम शांति करो, और आधा घंटा रह गया, आज गाड़ी पकड़ लो जाके।